आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर की सारी औरतें तैयार होती हैं और अश्विनी भी लड़ाई बचाने के लिए कहती है भवानी से कि अब तो घर की सारी औरतें सच चुकी हैं तो चलिए हम क्यों ना पूजा शुरू करते हैं। सब पूजा के लिए बैठ जाते हैं जहां पर पंडित जी कहते हैं कि अब रुद्र अभिषेक कौन करेगा और वो देखने लगते हैं। भवानी कहती है पत्रलेखा। पत्रलेखा भवानी काकू का ऑर्डर सुनकर जैसे ही उठती है तभी अश्विनी कहती है चलो सई और विराट तुम उठो और पूजा करना शुरू करो। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय भवानी काकू की टीम के, क्योंकि अब यहाँ पर पहली बार बसंत पंचमी की पूजा हो रही है तुम दोनों की शादी के बाद। और जैसे ही नवविवाहित जोड़े इस पूजा में भाग लेते हैं तो उनके भाग अच्छे होते हैं और प्लस उनके आगे आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी बीतती है आशीर्वाद से। ये देख कर विराट और सई अपनी आई की बात को मानते हैं और पूजा करना शुरू करते हैं और शिव जी का अभिषेक करना शुरू कर देते हैं। हर कोई काफ़ी खुश होता है, लेकिन पत्रलेखा भवानी सोनाली करिश्मा ये सब निनाद ओमकार ये सब बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं अश्विनी के इस बात का। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अब इस रुद्र अभिषेक के काम पर भी घर में बड़ा बवाल होता है या फिर कुछ और नया ट्विस्ट और टर्न आने वाला है शो की कहानी में। ला 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 ला।